बनाने का, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग उनकी कहानी है, सब पता करेंगे। आज हमारे जो मेहमान है उनके बारे में पता करेंगे, उनके काम के बारे में पता करेंगे। तो या आज के हमारे मेहमान जो है आमिर अल सईद। आमिर कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? एक सेकंड, आपका माइक है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, आप बोले जरा, कुछ अस्सलाम वालेकुम। एक कुछ बोले अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी नहीं आ रहा। ओके राधे इज्जत करा दे, राधे तू हमेशा इज्जत करा दे, कोई काम सही ना करियो तू। मतलब कि हाँ मैं कर लूँ ना, मुझे पता है ना कि ये सब कैसे होता है। सही बात है। आमिर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। भूल जाते हैं। नहीं, मेरे जो इंजीनियर है ना, दरअसल मेरे इंजीनियर जो है उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। okay. और जो उनका ब्रेकअप हुआ है वो बहुत बुरी तरह हुआ है, तो उसकी वजह से रो रहे हैं। उनका सिर्फ दो काम है, ठीक है, वो तीन काम है एक्चुअली। वो तो सोते रहते हैं, उठते हैं तो जामुन खा लिया और सो गए, और फिर दोबारा उठे तो रोना शुरू कर दिया। तो रोते हैं, जामुन खाते हैं और सोते हैं। इनका इनकी मोहब्बत कोविड में हुई होगी, मास्क के पीछे इनको पता नहीं होगा क्या? नहीं, इनको ये जो मैं कहता हूँ कि इंसान, मैं तो कहता हूँ इनको ये वायरस जो है ज्यादा बुरा है, इनका वायरस जो मोहब्बत का वायरस, इसकी तो कोई दवाई नहीं है। बट एनीवेज, मुझे बताएं आमिर अल सईद साहब कि आप जो हैं, आप एक फोटोग्राफर हैं, आप एक टीचर हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। मुझे आप थोड़े से लोगों को, देखिए मैं तो तारुफ आपका करा सकता हूँ जो जो मुझे जो आपने बताया है, लेकिन इससे बेहतर मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर जो मेहमान है वो खुद अपना तारुफ कराएं लोगों के सामने, जो लोग पूरा पाकिस्तान सुन रहे हैं, बाहर भी लोग सुन रहे हैं, तो लोगों को बताइए कि आप कौन हैं और आप करते क्या हैं। मेरा नाम आमिर अल सैयद, नहीं बेसिकली मेरा नाम आमिर सैयद है। आमिर सैयद, और वो अल सैयद मैंने आपके प्रोफाइल की वजह से, एग्जैक्टली वो नाम तो मेरा काफी बड़ा है, वो बी कॉपी लग जाती है। कितना बड़ा नाम है? सैयद आमिर अली शाह जिलानी। तो वो हमेशा बी कॉपी लग जाती है, तो मैंने कहा शॉर्ट कर आमिर सैयद। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम आमिर सैयद है और मैं तकरीबन 2005 से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। जैसे कराची के लोग हमेशा सड़कों पे निकलते हैं और बहुत ही पैशनेट होकर सबसे पहले काम शुरू करते हैं, मैंने वैसे ही कुछ किया। और उसके बाद एक बड़ा अच्छा मुझे ऑप्शन मिला, तो IBA हमारी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जी पाकिस्तान का, वहाँ पे मुझे एक रेफरेंस से वर्कशॉप देने का एक चांस मिला। और बहुत जल्दी जल्दी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ देना शुरू किया, फोटोग्राफी की लोग जुड़ते गए, लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। शुरू शुरू में वाले साहब ने मेरा कैमरा देखा तो कहा अब तू शादियों में फोटोग्राफी करेगा मतलब अब तू ये करेगा। ये तो बात नहीं, मैं मुझे जब हाँ ये होता है मेरे तो आज तक रिश्तेदार पूछता आप करते क्या है। एग्जैक्टली मतलब मेरे को, मैं ये रेडियो प्रोग्राम करता हूँ, होस्टिंग करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, क्या होता है? नहीं बट नहीं, इसके बाद होता है अच्छा अच्छा और क्या करते और क्या करते मैं क्या और क्या चाह रहे हो? तो इट्स ओके आप और हमें एक ही बोर्ड में। तो बस वो अब मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको समझ नहीं आई चीज, उन्होंने हमने उनसे छुपाया सब कुछ, हमने छुप छुप के फोटोग्राफी शुरू की, सड़कों पे जाना शुरू किया। बड़ा सा काला सा DSLR लेकर आए। तो जब पापा ने देखा, मैंने कहा पापा ये पहला कैमरा लिया है तो आप जरा देखें बरकत के लिए। तो पापा ने देखा कितने का लिया भाई, तो आप मैंने उनको उसकी 20% प्राइस बताई। मैंने कहा पापा बिकॉज एक्चुअल प्राइस बताते तो आप मतलब आपके सर के तोड़ देते हैं, हिसाब नहीं मिलता। तो उन्होंने मुझे देख, मैंने कहा पापा ये 20,000 का लिया है, दिमाग खराब है तुम्हारा। अच्छा उस पे भी तो 20,000 रुपए का इतना भद्दी शक्ल का कैमरा है। तो वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद आई लव पेरेंट्स ऐसे यार, अल्हम्दुलिल्लाह सो कूल, दे सो ऑनेस्ट, मासूम लोग। हां और ऑनेस्ट मासूम, हम नहीं होंगे दिनों, हम मासूम नहीं होंगे। नहीं हम भी है, हम जब हमारा वक्त आएगा जब हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ करेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह तो हम भी यही हरकत करेंगे जो उन्होंने की है। काम शुरू किया। उसके बाद पाकिस्तान से बाहर रहा कुछ साल, वहां जाके एटिकेट सीखे, बात करना सीखा, तमीज सीखी, कमिटमेंट्स, प्रोफेशनल जो के बाहर ही मिलती है, जो के बाहर ही मिलती है अफसोस के साथ। उसके बाद फिर 2010 से मैं पता नहीं कहाँ से खुद से फोटो एजुकेशन में आ गया। अच्छा, और लाइफ वहां से बिल्कुल चेंज हो गई। कैसे आए फोटो एजुकेशन में? ऐसे आ गया कि मुझे पहले लगा, मुझसे लोग पूछना शुरू हो गए कि आमिर भाई आप सड़कों पे जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, लो बजट के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जाते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं कुछ बोलना शुरू हो गया, शायद बोलना जानता था तो बोलना शुरू हो गया। सही। उसके बाद 2010 से मैंने प्राइवेटली पढ़ाना शुरू किया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। उसके बाद आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मैंने प्रॉपर टीचर वहाँ एनरोल हुआ, वहाँ मैंने फोटोग्राफी शुरू की, फिर अरीना मल्टीमीडिया, फिर UIT NED, फिर सफ़र चलता ही गया, फोटो एजुकेशन चलती गई। फिर तकरीबन 5 साल पहले मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की एक गुलशन में, मैं वहाँ जज था फोटोग्राफर।
तो मैंने देखा कि उन बच्चों ने बड़ी मेहनत से बड़े पैसे जैसे जोड़ के एक फोटोग्राफी का कंपटीशन लगाया है। उन बेचारों ने जेब से सारे पैसे लगाए और उनको रिटर्न कुछ नहीं मिला। उन बेचारे मुझे शील्ड तक नहीं दे सके, चाय भी बड़ी मुश्किल से पूछ सके। तो मुझे वहां से गिल्ट आया कि यार मतलब क्या जो सिखाना चाहता है, जो गैदर करना चाहता है, उसके पास पैसा होना जरूरी है। हाँ क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे टैलेंटेड लोग गरीब हैं, हाँ यहाँ पे हाँ टैलेंटेड लोग गरीब ये एक अलग ही सीन नहीं है। है बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं है ना। हाँ अच्छा, गरीब सिर्फ पैसे वाले नहीं, ताल्लुकात वाले भी, रिसोर्सेज वाले भी, अवेयरनेस वाले भी। तो बस वहां से मैंने एक इनिशिएटिव लिया, फेस्टिव वॉक बाय आमिर सैयद के नाम से। मैंने क्या किया, एक फेसबुक पे आपको पता है फ्री इवेंट होता है, डाल दिया, लोगों को जमा करना शुरू किया। लोग जानते थे, गाने शाने गाते थे, आगे पीछे होते थे, लोग समझते थे, जानते थे। वहां से मैंने लोगों को जमा करना शुरू किया और कराची के ऐसे अबंडेंड एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे लोग जाते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, जैसे कि जू, जू हो गया, कराची जू में अगर आप, मैं आपसे बोलूँ कि चलें टीम फैमिली के साथ, मैं होकर आ चुका हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ, जब भी मैं आपके साथ बैठा हूँ सही है, सही है। तो ऐसे लोग जो वहां नहीं जाते थे, अलादीन पार्क नहीं जाते थे, चील चौक नहीं जाते थे, इब्राहिम हैदरी नहीं जाते थे, तो मैं उन सबको वहां पे जमा करने। नहीं, हम तो कराची के लौंडे, हम तो हर जगह घूमे सर, अल्लाह की शुक्र है कराची से अलग क्या है। हाँ ये मैं बात क्लेम कर सकता हूँ, लोगों को लगता है मैं बहुत बर्गर हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है बाबू, हम हर जगह घूमे। वो आपने पहला गाना बड़े इंग्लिश एक्सेंट में, नहीं मैं लगता भी थोड़ा इंग्लिश हूँ, लोगों को लगता है मेरे लुक से भी थोड़ा इंग्लिश लगता है। मुझे पहले जैसे वेटर कहीं मिलता है ना, मैं यकीन करें, मुझे कभी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ही थोड़े लो एंड वाले रेस्टोरेंट में भी जाऊँ ना, जहाँ पे थोड़े देसी टाइप होता है सीन, तो वहाँ पे भी कुछ अंग्रेजी में शुरू होते हैं, हेलो सर, वेलकम सर, वेलकम टू गए, मैंने बोला क्या हो गया, व्हाट व्हाट इज द मेन्यू। हां नहीं, वो मेरे से बोलते हैं सर, यू नो वी हैव दाल, यू नो दाल फ्राई और दाल, मैं क्या क्या अगर सर मैं इतना अंग्रेज नहीं हूं, अरे यार बोंग की पटड़ी बोंग वाले, हां अरे स्पेशल ले आ जरा, एक आधे तिल वाले ले आ, नान दो, यू नो। सो आई गेट बहुत बड़ा ड्रॉ है क्या आपके साथ यार, बाकी वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मेरे जितने दोस्त हैं लोगों को ना, वो मतलब मेरे साथ तो वो अमीर है लेकिन वो लगते नहीं है, शायद ये वजह है, अल्लाह अल्लाह की मर्जी है आई गेस, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे। कोई ना कोई इशू है ना, जैसे कोई इशू है, नहीं तो मत तो मत यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई गरीब अमीर नहीं होता, इंसान का अखलाक ही सब कुछ होता है। नहीं, रिसोर्सेज नहीं, अखलाक। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लोगों का अखलाक अच्छा होना, इफ यू आर अ नाइस पर्सन ना, इट डज नॉट मैटर वेयर यू फ्रॉम, मैं ये बात बिलीव, द ओनली थिंग इज अखलाक। और दोस्तों आमिर सईद हमारे साथ मौजूद है, अगर आपके पास कोई सवाल हो फोटोग्राफी से रिलेटेड, अगर आप तस्वीरों से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, आप कॉल कीजिए 021-3452-1596 पर, या फिर हमें SMS कीजिए 8833 पर, या फिर हमें WhatsApp कर दीजिए 0315-111-9191 पर। हमें जो भी देख, जो जिनको शौक है फोटोग्राफी का, खींचने का, खिंचवाने का, जो भी, आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। I'm sure ये एक प्रोफेशनल है, ये टीचर है, ये तो आपको बता देंगे जवाब। ओके, अब टीचर से, टीचर की तरफ तो हम आएंगे, जो आपका पूरा है, जो फ्री टीचिंग आप करते हैं और जो स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है और जो वॉक आप करवाते हैं, इस पर तो हम जरा आएंगे। लेकिन फोटोग्राफी में पूछना चाहूंगा कि अब एज अ फोटोग्राफर, जिसको अब ऑलमोस्ट 15 साल हो गए माशाल्लाह, मुझे बताएं कि फोटोग्राफी, जो मुख्तलिफ लोग जो फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या, आप क्योंकि आपने टीचिंग की हुई है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब आप किसी स्टूडेंट को मिलते हैं और उसकी जो फोटोग्राफी वो सीखना चाहता है, तो उसके दिमाग में क्या ऐसा होता है जो आप सबसे पहले उसको कहते हैं बेटा ये गलत बात है तुम्हारी, ये छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले डी, बहुत अच्छा सवाल आपका और शो आपका है तो मुझे बोलना पड़ेगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है नीनो, मैं आपको इससे थोड़ी सी तसव्वुफ की मिसाल दूं कि आप किसी के पास कुछ सीखने जाते हैं तो आप अपना भरा हुआ प्याला लेके जाते हैं। हाँ, आप अगर अपना भरा हुआ प्याला लेके जाएंगे और उसको बोलेंगे कि डीनो इसमें पानी डाल दें, तो आप भरे हुए प्याले में क्या डालेंगे, पानी डालें नहीं तो बेसिकली जो सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो आप सेल्फ टॉट अकले को लो कराते हैं। आपको सब आता है, आपने 500 डीपियां और 500 कवर खींचे हुए होते हैं, ठीक है, आपकी घर की शादियां, आपके घर के फंक्शंस, आपके
यूनिवर्सिटी का इवेंट आप सब कुछ कवर कर चुके होते हो, फिर आप सीखने आ रहे होते हो क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आ रहा तो कि यार अंधेरे में तो चीजें हिल रही हैं, रोशनी में तो पीछे ब्लर नहीं हो रहा। तो बेसिकली टेक्निकलिटी, आपको करना क्या है, नंबर वन आपका मंशूर क्या है, आपने अचीव क्या करना है। आपको वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, उसका इक्विपमेंट उसकी पढ़ाई डिफरेंट है। आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, उसकी पढ़ाई उसका इक्विपमेंट डिफरेंट है। आपने फैशन आपको फैशन करना है, उसका अलग है। आपने सिर्फ नेचर फोटोग्राफी करनी है अपने आप को बेहतर करने के लिए, उसका इक्विपमेंट अलग है। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू आप अचीव क्या करना चाह रहे हो, नंबर वन पैसे कमाना चाह रहे हो, नंबर टू शोहरत चाह रहे हो, नंबर थ्री अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फोटोग्राफी कर रहे हो। तीनों के रास्ते ही डिफरेंट है। अच्छा ठीक है। नंबर चार आपने उस फोटोग्राफी से अगर अर्न करना है तो अर्न करने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड, मार्केट सिचुएशन, लेटेस्ट इक्विपमेंट कंट्रोल ये सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लेकिन आप क्योंकि यू टीच अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स बेसिकली आप पढ़ाते ही होंगे। हाँ एग्जैक्टली। और आप पढ़ाते ऐसे लोग बच्चों को हैं जिनके पास नहीं है ऐसे जो मेरे साथ ये वाली दीवानगी पे मेरे पेज पे आ जाए यार मैं कमाना नहीं चाहता। जैसे अभी मैं मेंशन करना चाहूंगा इम्तियाज फाउंड्री मसूद आलम, मसूद आलम मसूद भाई वी लव यू ऑल्दो वी आर मैरिड, सारी बहनों का एक ही भाई मसूद भाई हम मैरिड है लेकिन वी लव यू। ठीक है क्या? तो मसूद के साथ अभी मैं अपना इंस्टीट्यूट उनकी एकेडमी आपको पता है इंतजाज फाउंड्री के नाम से, तो उसमें मैं अपना कोर्स ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग को लगता है कि वो अंडर प्रिविलेज जो आमिर भाई इतनी बातें कर रहे हैं सर या डीनो के क्या करना है, वहाँ पे आए कॉन्टेक्ट करें मेरे फेसबुक पेज पे। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो सेम लेवल की जो है ना वो दीवानापन होना जरूरी है कि यार फ्री में सिखाना है। लोग जुड़ते हैं, लोग सीखते हैं। अच्छा इसमें सिर्फ वो लोग नहीं होते डीनो जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें वो लोग भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ मेरे लास्ट आर्ट्स काउंसिल के ग्रुप में खातून थी, शी वॉज 56 ईयर्स, वो बेवा थी। अच्छा वो क्या करती थी कि एक लोकल मार्केट से ज्वेलरी उठाती थी, घर पे उसकी तस्वीरें खींची, फेसबुक के पेज पे बेचती थी। अच्छा ठीक है। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है मार्केट का ट्रेंड, वो ज्वेलरी लेकर आती हैं और कोई फोटोग्राफर बुलाती हैं फॉर अ सेशन ओनली, और वो उनसे चार्ज कर लेता है 25-30 हज़ार रुपए, जो कि सही चार्ज कर रहा है। अब वो बेचारी क्या कमाएंगी क्या। So she wanted to do it herself. तो इस तरह के लोग मेरे पास आए। दो साल बाद वो डेढ़ साल बाद मुझे खातून मिली मेरे पास, उन्होंने कोर्स पास आउट किया 6 महीने का, और वो मुझे कहती हैं कि सर आपकी वजह से आज मैं कट अपना ज्यादा रखती हूँ, खुद तस्वीरें खींचती हूँ और वो मोबाइल से तस्वीरें खींचती हूँ। तो मेरे पास जो लोग आते हैं उनको उनके पास DSLR होना जरूरी नहीं है। They can even use their phone. No, ये कहें दे कहें। दरअसल मैंने खुद जब शुरू किया था तो मैंने तकरीबन 3 साल बाद तो कैमरा खरीदा था। तो जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो पे उनको हम ये कहेंगे कि यार ये ना डरें कि आपको HD कैमरा ही चाहिए, आप जो हैं आप फोन भी यूज कर सकते हैं। Exactly. क्योंकि फोन में भी आप यार HD क्वालिटी आ चुकी है, सब कुछ आ चुकी है। देखें हमारे बुजुर्ग एक मिसाल दिया करते हैं कि घोड़ा नहीं जीतता, घोड़ सवार जीतता। यस ऑफ कोर्स इट इज नॉट यू, इट इज द विजन। यस इट इज नॉट योर इक्विपमेंट, it is your skill, it is your skill, it is your vision. आप किस तरह चीज को देखते हो, आप सिंगर हो, आप रेडियो करते हो, आपको पता है कि सिर्फ अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, मुझे अच्छा बोलना भी है, मुझे मार्केट ट्रेंड भी देखना है। तो ये सब चीजें मिलाकर सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही तो सब लोग सीखते हैं। एज की कोई लिमिट नहीं होती, अच्छी फीस होती है, नॉर्मल प्राइसेस होती है, तो चलता है। दोस्तों अभी हमारे आमिर सईद मौजूद है, इनसे हम बात करें फोटोग्राफी के बारे में। हमारा एक सवाल है, सवाल के जरिए आपको पापा जॉन्स की तरफ से मुफ्त का पिज्जा खाने का मौका मिलेगा।